देश में ऐसा नालायक का शासन रहना चाहिए जिसकी छाया भी हमारा देश का नागरिक छू न सके, और हमारे देश में ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो सबको गले लगाने का काम करता हो। ये देश देशवासियों ने ऐसी दशा में पहुंचा दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काश अगर जाटों में रत्ती भर भी मानवता है तो पहलवान बेटियों के अपमान को लेकर के एक लात मार देनी चाहिए भाजपा। भंडारी को वैश्यवृत्ति के धंधे में जबरन धकेलने का प्रयास करने और न मानने पर उसकी हत्या करने पर पूरे उत्तराखंड के लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करते। मैं दूसरा जिक्र करता हूं, आपने देखा कि जंतर मंतर में पहलवान बेटियां बैठी रही हैं, और आप सब लोगों को बताऊं कि उसमें ओलंपिक पदक विजेता बेटियां, उन्होंने कहा कि बिरजाभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया है, और दिल्ली पुलिस की शिकायत रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में है कि वहाँ आदतन यौन शोषण करता था। और जब हमारे देश में कुश्ती फेडरेशन का चुनाव होता है तो बिरजाभूषण शरण सिंह यौन शोषण करने वाले का ग्रुप चुनाव जीत जाता है। और अनीता जो आवाज थी, जो स्वयं पीड़ित थी बेटी, वो चुनाव हार जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी जाट समुदाय का नेता ऐसा नहीं है जिसने भाजपा को ठोकर मार करके बाहर आ गया हो। हमारे देश के अंदर मणिपुर में आप सब ने देखा, आदिवासी लड़की को और महिला को नंगा करके परेड करके घुमाया गया। आप सब ने देखा मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पर पेशाब कर दी गई, पर तमाम आदिवासियों ने बढ़ चढ़ करके भाजपा के पक्ष में वोट दिया। ये सोचना पड़ेगा आपको और हमको, आपको और हमको सोचना पड़ेगा। यहाँ मैं एक जिक्र करता हूँ, अभी नोटबंदी 2016 में होती है, और जो बैंक में कैशियर बैठा हुआ था, खबर से खबर को कैसे दबाते हैं बताता हूँ आपको। 2018 में जब राहुल गांधी ने कहा मैं कैलाश यात्रा पर जा रहा हूँ, उसके बाद में 2016 के नोटबंदी का पैसा कितना पैसा आया, 99.3% नोट 500 और 1000 के वापस आए थे। ये गणना कब बताई गई, जब राहुल गांधी को कैलाश यात्रा पर जाना था। खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर और 23 मार्च को शिवराज सिंह को सत्ता में बिठाकर 24 तारीख मार्च का जिक्र कर रहा हूँ 2020 का, ताली बजा करके देश में लॉकडाउन कर दिया गया। आप सब लोगों ने देखा देश के करोड़ों मजदूर पैदल चलते रहे, गाड़ियों से कुचल के मरे, रेल से कट के मरे, महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे पैरों के नीचे से तलों से खून निकाला था, बच्चे जने। और जब नरेंद्र मोदी ने इस खबर को, इस पाप को दबाना था कि 1 जून से अनलॉक वन किया और 5 जून को 3 काले कृषि कानून लेकर आ गया, हम सब पूरा देश भूल गया कि इस नालायक, इस जाहिल, इस अनपढ़ ने मध्य प्रदेश में सरकार बेदखल करके अपनी सरकार बनाने के लिए देश में तालाबंदी की, न कि देश में कोरोना को रोकने के लिए। ये खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। मैं इसलिए बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने पहलवान बेटियों को अपनी बेटी बताया था, आज तक मुंह नहीं खोला। हमारे देश में जो मणिपुर में नग्न करके घुमाए गए कारगिल युद्ध के योद्धा सूबेदार की पत्नी भी उसमें थी, हमारे देश के, मैं शर्म की बात है, हमारे देश के जवान और देश के सेना के अधिकारी आज भी उस भाजपा के साथ खड़े हैं जिसके राज में एक सूबेदार की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार को इस देश की बेटियों का अपमान करने से, इस देश की बेटियों का बलात्कार करने से, इस देश की बेटियों की हत्या करने से कोई नुकसान नहीं होता है, ये उदाहरण आपके सामने है। चाहे वह ब्रिटिश बानों के रिहाई के बाद गुजरात के चुनाव जीतने का मामला हो, चाहे वो आपने देखा होगा कठुआ में 7 साल की मासूम बच्ची, उसके अपहरण, हत्या, गैंगरेप करने वालों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालने वाले नरेंद्र मोदी मौन रहे। अंकिता के मामले में मौन रहे। मैं एक और जिक्र करूंगा, निर्भया 2 का, किरण बेदी दिल्ली के अंदर 2012 में किस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल थी, उसके शरीर पर 29 घाव थे, मरणासन छोड़ा गया था उस लड़की को। हर 2014 में जब मनमोहन की सरकार थी तब उसे सजाए मौत हुई थी उन अपराधियों को, और 2022 में बाइज्जत बरी हो गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ना नरेंद्र मोदी मणिपुर के फौजाइन के पक्ष में बोलता है, ना आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ बोलता है, ना उन्नाव की वह
जो इस कुलदीप सेंगर की पीड़िता उसके पक्ष में बोलता है, न किरण नेगी के पक्ष में मुंह खोलता है, न बिल्किस बानो के, न वह जो मासूम 7 साल की थी, कल्पना कीजिए, उसके पक्ष में बोलता है। और हमारे देश के अंदर ये क्या है? मलिक साहब बैठे हैं, इसने किसानों का अपमान किया, जवानों का अपमान किया, इसने मजदूरों का अपमान किया। घटना देखिए आपके सामने है, हमारे देश में 2019 का जिक्र कर रहा हूँ, पुलवामा में जवानों को जिंदा बचाने के लिए जहाज़ों की मांग कर दी गई थी, मोदी ने जहाज नहीं दिए। और नवंबर में उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे, उन मजदूरों ने कहा, जिन मजदूरों ने अंदर जाकर के मजदूरों की रास्ता बनाया, उन मजदूरों ने कहा वो हमारी तरफ फिट है। जब मजदूर बाहर आए उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और तब क्या हुआ, वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया था, डॉक्टरों ने भी कहा मजदूर ठीक है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा नहीं, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। उनको जहाज पर एम्स और ऋषिकेश ले जाया गया। तो क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता था गरीब मजदूरों को जहाज पे बिठाएंगे, गरीबों का वोट मिलेगा। नरेंद्र मोदी ये भी जानते थे, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, जवानों की हत्या कर दी जाएगी। मोदी सरकार जानती थी जवानों की लाशें होंगी, हमारी सत्ता की वापसी होगी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता संघ सरकार को कि जवानों की लाशों से वोट मांगनी हो या बेटियों के अस्पताल का मामला उठाना हो। मैं एक बात और आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत दुख की बात है, हमारे देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण हुआ, उन्हें सड़कों पर आके बोलना पड़ा, ये कोई झूठी बात भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दावे से कह सकता हूँ, जो हमारी दादी माँ बन गई होंगी, उनका कभी यौन शोषण हुआ होगा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती ये बोलने की, उन जवान बेटियों ने कहा हमारा यौन शोषण हुआ। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, इसको हमको आपको सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला बेटियों के पक्ष में। और तब मैंने मलिक साहब को फ़ोन किया था, क्या था मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश के अंदर एयर शो लगा बेंगलोर में, और उसमें बैठे थे तब थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत। और बिपिन रावत जब नीचे आए, बिपिन रावत ने मीडिया से कहा ये तेजस जहाज मिनी राफेल है। और जब मिनी राफेल कहा तो हमारे देश में शहीदों का स्मारक का उद्घाटन था, नरेंद्र मोदी ने वहाँ थल सेना के अध्यक्ष को नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उस राफेल के साथ में तेजस की तुलना की गई, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को राफेल का पार्टनर बनाया गया था। और राफेल का पार्टनर भी किसे बनाया, जो चीन का कर्जदार था। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर दिया, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बेटियों का मामला पहलवान बेटियों से लेकर के, और चाहे उन्नाव की बेटी हो, बिल्किस बानो से लेकर 7 साल की बच्ची हो, और चाहे मैं जिक्र करूं आपके सामने अंकिता भंडारे तमाम का, बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में रोजी रोटी का सवाल, 35% युवा बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसानों की दशा भी आपने देखा, नरेंद्र मोदी के राज में 750 किसानों की हत्या इसलिए करवा दी ताकि कोरोना में ताली बजाकर ताला लगाकर देश के 10 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनने के पाप से बचने के लिए एक पाप मोदी ने और किया। ये खबर से खबर को दबाने का काम करते हैं, इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, चाहे वह यौन शोषण का मामला हो। और ये देखिए, राम रहीम एक है, उसे सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, जिस पर हत्या बलात्कार और नपुंसक बनाने का मुकदमा चल रहा था। हमारे देश के अंदर 2002 में नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आज भी वायरल है, अगर बापू नहीं होते मैं गुमनाम मर जाता, किसके लिए, उस आसाराम को जो पेशे बर बलात्कारी है। तब हमको सोचना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर देश का सबसे बड़ा जो अपने को राजा मानते हैं, और कैसे राजा, जहां तक नरेंद्र मोदी की छाया पड़ती है, तेजस पर जब बैठे, इससे पहले सुखोई में हमारे देश के अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति, उन्होंने सुखोई पर यात्रा की। हमारे दोस्त हैं अनिल प्रकाश, अमित प्रकाश, जनसत्ता के पत्रकार रहे, एडिटर रहे हैं, उनके साले का बेटा पायलट था, उनका फोटो राष्ट्रपति के साथ है। पर तेजस में बैठे मोदी, बताइए कितना बड़ा अपमान है, हमारे वायुसेना के पायलट का फोटो नहीं आने दिया गया। सबको लगा देश को ये जाहिल आदमी नहीं शायद तेजस चलाया है। आप समझ लीजिएगा, जहां मोदी खड़ा होता है वहां देश का हमारा सम्मान, देश के जवान, देश का किसान, देश का आम इंसान, और वहां का मंत्री, केंद्र का मंत्री भी खड़ा नहीं हो सकता जहां मोदी खड़े होते हैं। एक हमारे देश में इतना महामानव है, और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो जाता है मजदूर के गले लग रहा है, सिपाही के गले लग रहा है, किसानों के गले लग रहा है, दलितों के गले लग रहा है, कुलियों के गले लग रहा है, लोग उससे नफरत कर रहे हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूँ,
देश चाहता है कि देश में ऐसा नालायक का शासन रहना चाहिए जिसकी छाया भी हमारा देश का नागरिक छू न सके, और हमारे देश में ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो सबको गले लगाने का काम करता हो। ये देश देशवासियों ने ऐसी दशा में पहुंचा दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काश अगर जाटों में रत्ती भर भी मानवता है तो पहलवान बेटियों के अपमान को लेकर के 1 लात मार देनी चाहिए भाजपा।